भयंकर फोर्स तैनात कर दी गई है। साथियों बात करें, यहाँ तक कि सारी पुलिस फोर्स बुला ली गई है। इस प्रकार की खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें साथियों पुलिसकर्मियों पर बेहद बुरा हमला हुआ है, हाथ तक काट दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, भयंकर तादाद में पुलिस बुला ली गई है। साथियों जगह जगह चौराहे पर नक्के नक्के पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। खबर निकलकर सामने आ रही है, राजसमंद के भीम कस्बे में 6 दिन के अंदर दूसरी बार पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला हुआ है। सोमवार को पुलिस व प्रशासन की व्यापारियों से सहमति बनने के बाद सोमवार को बाजार खुले थे। इसी दौरान दिनदाड़े बदनौर चौराहे पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर युवक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में हेड कांस्टेबल भजे राम का हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया। घायल को इलाज के लिए ब्यावर रेफर किया गया है। पुलिस ने इस मामले में गजेंद्र सिंह पुत्र चेउन सिंह को गिरफ्तार किया गया है। वह गुमा का बाड़िया थाना करेड़ा जिला भीलवाड़ा का रहने वाला है। इस घटना में एक बार फिर भीम कस्बे में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। जिला पुलिस अध्यक्ष सुधीर चौधरी के अनुसार कुआथल पुलिस चौकी पर तैनात भजेराम पर सोमवार दोपहर 3 बजे के आसपास अज्ञात व्यक्तियों ने हमला कर दिया। वो बदनौर चौराहे पर ड्यूटी दे रहे थे। गंभीर हालत में एम्बुलेंस से भजेराम को ब्यावर के हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। उदयपुर हत्याकांड के बाद भीम कस्बे में उग्र भीड़ के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कांस्टेबल संदीप पर तलवार से हमला किया गया है। इसके बाद कांस्टेबल संदीप को अजमेर रेफर कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, भीम कस्बा 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। सोमवार को ही बाजार खोलने पर सहमति बनी थी, फिर पुलिस पर हमला हो गया। ऐसे में बाजार फिर से बंद हो गया। पुलिस भी सख्ती में है, बड़ी फोर्स तैनात कर दी गई है।